नमस्कार दोस्तों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आज आप सभी के सामने शेयर करने वाले हैं। 2 से 3 ऑफिशियल नोटिस और 2 पेपर कटिंग आप सभी के सामने शेयर करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। जब भी देखें तो दोस्तों वीडियो को पूरे तरीके से देखें, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को दबा लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी की ओर। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, कंसेप्ट हो, बोर्ड हो, जेई नीट हो, पढ़ाई में किसी भी प्रकार का डाउट हो, उसका सलूशन है फिलो ऐप। जो भी डाउट आ रहा है सबसे पहले उसका 3 स्टेप में सलूशन ले सकते हैं। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले से या ऐप स्टोर से फिलो ऐप। डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना होगा। उसके बाद उस क्वेश्चन का फोटो खींच लेना है या लिख लेना है टाइप करके। 60 सेकेंड में आपका जो इसका सलूशन मिल जाएगा लाइव क्लास के साथ। इस कोड को यूज कीजिएगा तो 10% का छूट मिलेगा और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करने के लिए गूगल में जाना है। आपको ऑफिशियल BDS इस तरह से टाइप करना है। इस वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, आप लोग विजिट करके बिल्कुल आसान तरीके से चेक कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिस को। इस पर क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन जैसे करेंगे यहाँ पे देखिए नोटिस बोर्ड में आप सभी के सामने देख लो CCSU MET 2nd काउंसलिंग, जो कि कल आप सभी के सामने शेयर किए, लैपटॉप की जानकारी कल शेयर किए थे। आज जो है करीब 3 यहाँ पे देख सकते हैं। सब्जेक्ट कोड बुक December 21, ये रहा पहला नोटिस जो कि हम आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लोज या ओपन का बटन आएगा, आपको क्लोज करना है। फिर आपको कैप्चा भरना है, जिस भी प्रकार का कैप्चा यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको भर लेना है, जैसा कि यहाँ पे हम भर के दिखा दे रहे हैं। इस तरह से भरने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ आप सभी के सामने नोटिस ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ पे देखिए साफ साफ कहा जा रहा है विश्वविद्यालय सत्र 21-22 में विषम सेमेस्टर परीक्षा December 21 में विषय क्वाड पुस्तिका के संबंध में। तो आप लोग अगर इससे रिलेटेड हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से इसे रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों पहला ऑफिशियल नोटिस। और दूसरा ऑफिशियल नोटिस के लिए BPED वैकेंट सीट, यानी कि जो बचा हुआ सीट है, कौन से कॉलेज में कितना सीटें हैं, उसकी जानकारी के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर आपको जो भी कैप्चा यहाँ पे पूछा जाएगा उस कैप्चा को भर लेना है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हम आपको इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और इस पर कैप्चा दोबारा इंटर कर लेते हैं, इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से देखिए सभी कॉलेजों में संचालित BPED पाठ्यक्रम 21-22 में प्रवेश पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षण काउंसलिंग हेतु। यहाँ पे देखिए ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। आप इस जो भी दोस्त लोग इससे रिलेटेड हैं बिल्कुल आसान तरीके से इसे रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों दूसरा ऑफिशियल नोटिस। आप चलते हैं तीसरा ऑफिशियल नोटिस की ओर। तीसरा ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे देखिए इंटरनल या वाइवा जो होता है वो आपके सामने यहाँ पे देखिए उसके लिए नोटिस जारी किया गया। उसके पे क्लिक करेंगे और क्लिक जैसे करेंगे तो फिर आपसे कैप्चा पूछा जाएगा। कैप्चा को भर के सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, जैसा कि हम यहाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं। इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा जैसे ही क्लिक कीजिए दोस्तों, और आपके सामने जो भी जानकारी है सब अच्छे तरीके से आप यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों 3 ऑफिशियल नोटिस। अब चलिए एक और ऑफिशियल नोटिस है जो कि आप सभी के सामने शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक और ऑफिशियल नोटिस है जिसमें लिखा है आपके पर्यावेदन दिनांक 1/12 के संदर्भ में, जिसमें आपके द्वारा जो अवगत कराया गया है कि MED उर्दू का जो भी क्रमांक संख्या, जो भी नामांकन व्यक्तिगत के छात्र छात्राओं का उत्तीर्ण BED पाठ्यक्रमों के लिए चयन प्रमाण पत्र का अनुरोध किया गया है। तो जो भी है वो ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से यहाँ पे जारी किया गया था जो कि हमने आप सभी के सामने शेयर किया। अब चलिए दोस्तों लास्ट एक पेपर कटिंग है, वो भी हम आप सभी के सामने शेयर कर देते हैं। लास्ट पेपर कटिंग जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड, सॉरी यूपी बोर्ड से रिलेटेड है, जिसमें लिखा है पूर्व सरकार ने रोकी थी SC ST छात्रवृत्ति योगी। यहाँ पे लाइव देख सकते, इसको जूम कर लेते हैं। 12 लाख यहाँ पे देखिए 12.17 लाख छात्राओं को 458.66 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी। यहाँ पे देखिए लाइव आ है और यहाँ पे जो भी जानकारी आप अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इस नोट ये जो पेपर कटिंग है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सभी जानकारी दे दिया गया है। SC छात्राओं का छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही थी, सपा सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध की भावनाओं से बच्चों के जीवन का खिलवाड़ किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही SC ST छात्रवृत्ति
बहाल की गई। इस वर्ष में 2 अक्टूबर को भी लगभग 57 लाख विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति भेजी गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राजनीतिक लाभ हानि की चिंता की बिना विद्यार्थियों को भविष्य को संवारने के लिए छात्रवृत्ति भुगतान किया। तो यहाँ पे देखिए जो भी था मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी बोर्ड से रिलेटेड वो हम आप सबके सामने शेयर कर दिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। लगा तो वीडियो को दबा कर लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट डेली वाइज शेयर करते रहते हैं। तो फिलहाल जो जानकारी है, बाकी जो भी एग्जाम से रिलेटेड कोई ऑफिशियल नोटिस आता है तो आप लोग को ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल हमारे पास कोई ऑफिशियल नोटिस एग्जाम से रिलेटेड और पेपर कटिंग भी नहीं अभी अवेलेबल है, इसी वजह से हम आप सभी के सामने जानकारी शेयर करने में असमर्थ हैं एग्जाम को लेकर। फिलहाल आपको वेट करना है या अपने कॉलेज में जाके क्वेरी कर सकते हैं। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी था हमने आप सभी के सामने शेयर की, उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। लगा तो वीडियो को दबा लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।